अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हारून और शीरी हैं घर पर? नहीं, वो दोनों तो इस वक्त घर पे नहीं होते। अच्छा, अबीरा? जी, वो अपने कमरे में, आप बैठे, मैं बुला के लेके आती हूँ। बाजी, आपकी अम्मी आई हैं। जी, ड्राइंग रूम में बैठी हैं। एक काम करो, तुम जाके उनके लिए चाय लगा। नहीं, जी यूनिवर्सिटी से आई होंगी तो थकी होंगी और भूखी भी। अब तुम उनके लिए लंच लगा दो, मैं आ रही हूँ। जी ठीक। फिर अब इतने मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप खड़े क्यों बैठे ना? बैठे। हाँ, कैसा हुलिया बनाया था तुमने? वो मैं सो रही थी। सो रही थी? शिकु, वक्त है सोने का, 4 बज रहे हैं। वो घर पे कोई होता नहीं है। वो घर तो होता है ना, हर काम के लिए तो यहाँ पे नौकर हैं। तो बोर होके नींद आ जाती है। और हारून कितने बजे वापस आता है? कोई फिक्स टाइम नहीं। तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, नई नवेली दुल्हन हो तुम। तुम्हें देख के कहीं से नहीं लग रहा कि तुम्हारे चेहरे पर जरा बराबर भी खुशी हो। ये क्या हुलिया बना रखा तुमने अपना? आपको मेरे चेहरे पे खुशी दिखेगी भी कैसे, जिसकी मां ने अपनी बेटी को धतकार के उससे ताल्लुक खत्म कर दिया हो, उसका तो जिंदा रहना भी गनीमत है। मेरी शादी को सिर्फ एक दिन हुआ था, मैं आपसे मिलने आई थी और आपने मुझे थप्पड़ मारा। तुमने भी तो हद कर दी थी। उस लड़की ने मेरी जिंदगी हिला के रख दी मम्मी, और अपने घर के लिए मुझे घर से निकाल दिया। तुम आखिर सब कुछ भुला के अपनी जिंदगी को नए सिरे से क्यों नहीं शुरू कर देती? नहीं दे पा रही हूं मैं, किसी चीज पे फोकस नहीं कर पा रही। ऊपर से हारून मुझसे इतना रो। प्लीज अबीरा, खुदा के लिए अब हारून से तो मत बिगाड़ो। उसे तो तुमने खुद पसंद करके शादी की है ना? थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो इतनी जल्दी बदल जाएगा।